दिनांक 16 जनवरी एक पत्रकार परिषद में विदित किया गया कि आगामी 22 जनवरी को स्थानीय सतीधाम मंदिर में, जो कि रायली प्लॉट स्थित है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रक्तदान का कार्यक्रम लिया जाएगा। प्रस्तुत है पत्रकार परिषद के क्षण चित्र, समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैश संस्था, अमरावती कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, इन सब के तरफ से आप सभी लोगों का, आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 22 तारीख को, 22 सोमवार 22 जनवरी 2024 को बड़े पैमाने पर श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। पूरे देश में कहीं ना कहीं सभी लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। रक्तदान समिति अमरावती का रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, लोगों को रक्त के प्रति मदद कर रही है। तो हम लोगों ने भी उस दिन स्वर्गीय मधुसूदन जी झुंझुनवाल, इनके स्मृति प्रीत्यर्थ सतीधाम मंदिर में सवेरे 9 से 3 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो मधुसूदन जी झुंझुनवाल की तरफ से श्री संजय बाबू अग्रवाल जय बाबी जो उपस्थित है, कैश संस्था की तरफ से भी लोग आए हुए सब, और कंज्यूमर प्रोडक्ट से भी जिसमें से लोग आए बैठे हैं सब। सवेरे 9 से 3 बजे तक ये रक्तदान शिविर का हमने आयोजन किया है, और इसका उद्देश्य जो हमारा उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को रक्तदान मिल सके, लोगों को जहाँ रक्त की आवश्यकता है। लोगों को जहाँ रक्त की आवश्यकता है, लोगों को रक्त मिलना चाहिए, यही उद्देश्य से लेकर ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को मैंने इसके डिटेल्स दिए हैं। कुछ टारगेट रखा है क्या? कोई टारगेट नहीं। जितने लोग सब लोगों से, जितने भी भगत लोग हैं, जो भी रक्तदाता है शहर के, जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं, उन सभी से नम्र विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रक्तदान करें। शहर की भी संस्था है, सामाजिक संस्था है, व्यापारिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग जो भी, उन सबसे आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहकर सतीधाम मंदिर में आकर रक्तदान करें। सतीधाम मंदिर के जो आयोजक जो है, उन लोगों ने बहुत अच्छी जगह हमको प्रोवाइड करके वहाँ दी है, पूरी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं रक्तदाताओं की। शहर के बीचों बीच जो मंदिर है, रक्तदान समिति का जो भी आयोजन रहता है, अभी तक जो हुआ है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है, लेकिन 22 तारीख को कैसा है, हर जगह अलग अलग कार्यक्रम है, काफी नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम, हम तो दूसरे भी लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम सुझाए हैं कि हमारा काम रक्तदान का अमरावती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे मंदिर में क्या मतलब, लेकिन बाकी जगह कार्यक्रम है तो कुछ लोग उसमें एंगेज रहेंगे ऐसा मतलब, इसलिए कुछ लोगों से संपर्क करके उनको, ये दूसरी संस्थाएं जो अमरावती कंज्यूमर एसोसिएशन है, बहुत बड़ी संस्था, अच्छी संस्था, ये लोग हैं, उसके अध्यक्ष हैं श्याम बाबू शर्मा वगैरह सब जो लोग हैं, संदीप केड़कर, नितेश केड़िया, चुड़ासामा जी है, ये सब लोग इसमें हमको मदद करेंगे सब। सुनील बाबू अग्रवाल, उनकी सबसे ज़्यादा सुनील बाबू अग्रवाल ने सब ये सिद्धांत मंदिर वगैरह का काम उन्होंने किया हमारे तरफ से, उनसे बातचीत करना सब। रक्तदानाच्या कार्यक्रमा दरम्यान तिथं प्राण प्रतिष्ठा जे चालू आहे तिथं, त्याचं लाईव्ह वगैरे दाखवण्याचे एलईडी वगैरे मंदिर की तरफ से महाआरती उभरती है।
वो मंदिर का प्रोग्राम भी अलग है, वहाँ मंदिर में भी प्रोग्राम है उनका भी अलग से, वो मंदिर के हिसाब से जो उन्होंने करने का धार्मिक कार्यक्रम वो भी उन्होंने कर रहे हैं। इधर हमको भी उन्होंने रक्तदान की अच्छी नीची जगह दिया है, बड़ी जगह दिया है हम लोगों को। 3 बजे 9 से 2 भी हो सकता है, 9 से 3 भी हो सकता है, दोनों जब तक दोनों आते रहे करते रहे, कोशिश चालू रहेगी। पीडीएम से भी आएगा, क्योंकि हमारे जो ये मार्गदर्शक है अरविंद जी देशमुख प्राचार्य, प्राचार्य जो अभी यहाँ प्राचार्य थे अध्यापक घोषी टोपी महाविद्यालय, वो हमारा मार्गदर्शक है, उनका बोलना ऐसा है कि अपने लिए जो मुझे रक्तदाता है रक्तदाता को यहाँ खर्चा दादा वही आता आपण तसं विचारलं की बाकी टार्गेट आहे का, अतिशय चांगलं आहे म्हणजे तुम्ही नकळत तुम्ही रक्तदान समितीचं आणि रक्तदान समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मूल्यांकन खूप चांगलं करून टाकलं। रक्तदान समिती काहीतरी रेकॉर्ड ब्रेक टार्गेट ठरवल्याशिवाय काम करत नाही, तसं कधी असतं की ते स्पोकन असतं कधी अनस्पोकन असतं, कारण की रक्त महेंद्र भवन पासून रक्तदान समितीचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा टार्गेट ठेवूनच काम करतो, त्याच्यामुळेच आजपर्यंत रक्तदान समितीला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये तो गौरव प्राप्त झालेला आहे। फक्त यावेळेला तुम्ही त्याच्यातली अडचण पण सांगितली की सगळ्या ठिकाणी खूप कार्यक्रम असल्यामुळे परिणाम होईल, पण आमचा सगळा रक्तदान समितीचा विश्वास आहे की आपण पत्रकारांनी याला अमरावतीच्या पत्रकारांनी याला जी प्रसिद्धी आणि कव्हरेज दिल्याबरोबर त्याच्या प्रतिसादामध्ये फार मोठा फरक पडेल। जसं अमरावतीची ओळख त्या दिवशी जगदीश भाऊजी प्रेस घेतली, त्याने सांगितलं की कुंकू ही आपली ओळख आहे आणि रामलल्लाचं हे आजोळ असल्यामुळे आजोळातून काहीतरी भेट अयोध्येला जावी म्हणून अमरावतीचे आवाहन, त्यांनी ते कुंकू पाठवायचं, त्यांनी सांगितलं की बाबा 500 वर्ष लागले मंदिर म्हणून त्यांनी 500 टार्गेट 500 किलोमीटर पाठवलं, समितीच्या बाबतीत जसं बघायचं म्हणाल की औचित्य कोणती असो सुखात असो की दुःखात असो, पण म्हणतात की हे लोक काही मरण पाहत नाही, लग्न पाहत नाही, रक्तदान कसं होईल हे पाहतात, त्याचा आम्ही 4 ओळीमध्ये आम्ही असं त्याचं वर्णन करत असतो, जाणणारे दुःख असो असो सुख माळणारे गीत रक्तदानाचे चिरंतन आमच्या रक्तातून खेळणार, म्हणून रक्तदान समितीचा प्रत्येक कार्यकर्ता त्याच्या अंगात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत कुठलाही माणूस मरणाच्या दारातून परत आला पाहिजे, ते राम मंदिराचं निमित्त असो अजून कुठले निमित्त असो म्हणून हे प्रयोग ओके मी श्याम शर्मा रक्तदान समिती उपाध्यक्ष कंझ्युमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्युटर फेडरेशन याचा अमरावती शहराचा अध्यक्ष आणि कॅट संघटना ऑल इंडियाची त्याचा मी महाराष्ट्राचा ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आणि राणी सती मंदिर चे प्रमुख मधुसूदनजी झुंझुनवाला यांच्या पावन स्मृतीमध्ये येणाऱ्या 22 तारखेला ज्या दिवशी अयोध्यामध्ये राम मंदिरची प्राणप्रतिष्ठा होत आहे त्या दिवशी अमरावती शहर हा रक्तदात्याची नगरीच्या नावाने ओळखला जात आहे, या नगरीमध्ये अशा प्रसंगमध्ये आम्ही रक्तदान करून हा दिवस सेलिब्रेट करणार आहोत, तर प्रत्येक अमरावती जिल्ह्याचे रक्तदात्यांनी ह्या सर्व संघटनातर्फे आणि
मधुसूदनजी झुंझुनवाला यांच्या ट्रस्टी संजयजी अग्रवाल जय जोशी झुंझुनवाला आणि आमच्या रक्तदान समितीच्या तर्फून आम्ही सर्वांना विनंती करतो की आपण या रक्तदान शिबिरमध्ये जास्तीत जास्त संख्येमध्ये उपस्थित राहून आपलं रक्तदान करावं आणि एक मानवताचा आपला कार्य आपला धर्म आपला देशप्रेम हे दाखवण्याची संधी आपल्याला भेटलेली आहे तर सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येमध्ये रक्तदान करायचं असे आवाहन आम्ही करतो विनंती करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम करतो. आभार.